तो लुकअप रेफरेंसेस में हम फार्मूले देखते हैं क्या क्या हैं। लाइंस है, लुकअप रेफरेंसेस, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस का फार्मूला क्या करता है, जैसे इसमें कोई भी रो नंबर देता हूँ और कॉलम नंबर, तो ये इसका एड्रेस बना देता है, ठीक है। एड्रेस ही बनाता है, बस नंबर से एड्रेस बना देता है। इनडायरेक्ट का फार्मूला है हमारे पास। अब ये फार्मूले ने क्या दिया है, एड्रेस बना तो दिया है पर एड्रेस जैसा यूज कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को एड्रेस में कन्वर्ट करने वाली कोई चीज़ चाहिए हमें, तो इनडायरेक्ट का फार्मूला है। अब ये क्या है कि जो इसने एड्रेस बनाया, जैसे B1 पे कुछ भी लिखता हूँ मैं, तो ये उसका रेफरेंस से इनडायरेक्ट वैल्यू ले लेता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कॉलम नंबर 3 डाल देता हूँ, तो ये वहाँ का रेफरेंस उठाएगा, ठीक है ना। एड्रेस का इनडायरेक्ट का यूज़ होता है VBA में वैसे, ठीक है। VBA में कई बार हमें बनाने पड़ते हैं एड्रेस, अभी आगे दिखाता हूँ फिर समझ आ जाएगा। किसी भी फार्मूले का यूज कहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने टेक्स्ट फार्मूला कराए थे, अब उसका यूज मेरे को एक जगह पड़ा था CAT N, वो मैंने एक चार्ट सा बना के दिखाया था ना, VLookup से कॉल होने वाला चार्ट, है ना। अब मेरे पास क्वेरी आई थी कि कंकैटिनेशन की, कि यहाँ पे दो आपके वो हैं, उन्होंने कहा था कि पहली लाइन को खाली कंकैटिनेट करना है, ठीक है, पहली लाइन को करना है। तो अब इसमें मैंने फार्मूला क्या लगाया था, पहले मैंने पहली लाइन निकाली थी, किससे निकाली थी, लेफ्ट के फार्मूला से। अब इसमें क्या फाइंड करना है कि कितने करेक्टर, फाइंड में मैंने डाल दिया था CAT N, ऑल्ट एंटर, है ना। CAT N विद इन टेक्स्ट, इसी के अंदर -1, ठीक है, ये पहली लाइन निकाली थी मैंने, फिर इनको कंकैटिनेट किया था। तो मतलब कौन सा फार्मूला कहीं हो जाएगा इसका कहना मुश्किल है, पर ज़रूरत पड़ेगी तो आ ही जा सकता, ठीक है। तो अभी फार्मूला नॉलेज मतलब क्या करना है, देख के बस प्रैक्टिस करनी है कि ये फार्मूला करता क्या, दिमाग में रखना है इसको। एरियाज़ का है, ये वैसे आज तक मेरे यूज नहीं हुआ कभी। एरियाज़ का फार्मूला बेसिकली क्या कर रहा है, इसके अंदर रेफरेंस एक ही पैरामीटर लेता है, तो ब्रैकेट में ले लेता हूँ डबल, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया कॉमा लगा के, एक ये ले लिया, ये बेसिकली बताता है कि इसके अंदर कितने एरिया है, कितनी रेंज है, बस ये करता है। चूज़ का फार्मूला क्या करता है, चूज़ में पहले होता है इंडेक्स नंबर, फिर उसके बाद value 1, value 2, value 3 दिख रही है ना, तो ये वो लेता है। जैसे मैं इसमें कुछ भी ऐसे है, तो value 1, value 2, यहाँ पे जो इंडेक्स डालोगे वो वाली वैल्यू दे देगा ये, 3 पे क्या देगा ये 65, ठीक है। इसको मैं यूज करता हूँ ज़्यादातर जैसे जनवरी फरवरी में, 1 से जनवरी आ जाए, फरवरी आ जाए, तो अब लिखने के लिए भी वो मुझे जनवरी फरवरी लिखना पड़ेगा, लिखना भी एक बवाल है, ठीक है। उसको कैसे लिखता हूँ देखो, दिसंबर तक खींच लिया मैंने। अब क्या करना है मुझे, इसको एक उसमें लाना है, एक कॉल एक सेल में लाना है, तो इसको मैं यहाँ तक खींचूँगा जिसमें ये लाइन पूरी की पूरी आ जाए, ठीक है। फिर होम में जाऊँगा, यहाँ फिल है, जस्टिफाई, ठीक है। वापस वैसा करना है तो एक वैल्यू जब तक एक में आ जाए, फिर से जस्टिफाई, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो फिल में जस्टिफाई कर दिया मैंने, अब मैंने क्या करना है, कॉमा, वो इन्वर्टेड कॉमा लगाने होते हैं, तो बीच में कॉमन क्या दिख रहा है, स्पेस,
तो मैं इसमें फाइंड करके स्पेस फाइंड करूँगा और रिप्लेस कर दूँगा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा और इससे, है ना, रिप्लेस हो गए। बाकी यहाँ के दो कॉमा मैं खुद लगा लूँगा और चूज़ का फार्मूला लगा देता हूँ, चूज़ इंडेक्स बगल वाली सेल से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, कहीं भी कोई भी चेंज होता है तेईस तो एरर है, ठीक है ना। और किस जगह यूज़ किया हुआ है मैंने इसको, डैशबोर्ड में यूज़ किया है। डैशबोर्ड में कैसे यूज़ किया है इसका, एक फार्मूला होता है रैंक का फार्मूला पता है, स्मॉल लार्ज रैंक। जैसे कोई भी वन है हमारे पास, जैसे डैशबोर्ड में कभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, असेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तुम्हारे पास फार्मूला क्या है, स्मॉल, स्मॉल में आप वो पूरी रेंज दोगे जिसमें से वैल्यू निकालनी, और यहाँ से के चूज करेंगे, के होती है पोजीशन, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट। तो इस हिसाब से डिसेंडिंग में करना है, तो यहाँ वहाँ स्मॉल यूज़ किया था, यहाँ लार्ज, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। रैंक का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी वैल्यू की रैंक बताता है। जैसे ये रैंक है, तो नंबर क्या है, नंबर मैं दे देता हूँ कि 82, ठीक है, रेफरेंस ये है हमारा, इसके अंदर असेंडिंग में कि डिसेंडिंग में, ज़ीरो में डालोगे तो असेंडिंग, वन डालोगे तो डिसेंडिंग, इसकी रैंक बता रहा है सेकंड रैंक पे, और इसकी जगह वन डाल दूं तो मैं तो टेंथ रैंक पे, ठीक है। तो रैंक स्मॉल लार्ज तीन फार्मूला हैं। अब इसमें मैंने एक चूज़ किया था, थोड़ा सा ऑटोमेट किया था इसको, मैंने कहा कि चूज़ के अंदर डाल दिया, इंडेक्स नंबर मैं ऊपर से ले लूँगा यहाँ से या कहीं भी किसी भी जगह, वैल्यू वन की जगह मैंने फार्मूला लगा दिया स्मॉल, ओके, और वैल्यू टू की जगह मैंने बना दिया लार्ज, ठीक है। तो यानी कि इंडेक्स नंबर पे ये चेंज होके मुझे वो दे देगा। अगर एक डालूंगा तो पहले मैंने कौन सा फार्मूला डाला था, स्मॉल, अच्छा इसमें इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा, चूज में इंडेक्स जहाँ से ले, ठीक है, एक डालूंगा तो ये दो डालूंगा, शॉर्ट हो गया। अब इसको मैं एक तरह से फार्मूले से भी जनरेट करा सकता हूँ, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन से एक लिस्ट दे सकता हूँ, बाद में कंट्रोल भी दे सकते हैं, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और इसमें कर दूँगा ASC DSC, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो यहाँ अगर असेंडिंग है तो वन आ जाए, डिसेंडिंग है तो टू आ जाए, है ना। If ये इक्वल टू ASC तो वन आ जाए, अदरवाइज मैं डाल देता हूँ टू आ जाए, ठीक है। यहाँ से बस मैंने ये सिलेक्ट करना है,
है ना, इसको कहीं भी अलग रख सकते हैं ताकि ये दिखाई ना दे। कस्टम में जाके 3 सेमीकोलन से मैं इसे गायब भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब बस यहाँ से चूज किया, ठीक है ना, तो चूज का फॉर्मूला है इस तरीके से यूज किया मैंने। और देखते हैं कॉलम, रो का फॉर्मूला करंट रो नंबर देता है, और अगर इसमें रेफरेंस दे दोगे तो उसका रो नंबर दे देगा, ठीक है। कॉलम का फॉर्मूला करंट कॉलम देता है, अगर रेफरेंस दे दोगे तो उसका कॉलम नंबर दे देगा, ठीक है। ये रो कॉलम को तुम एड्रेस के फॉर्मूला के साथ जोड़ के भी एड्रेस निकाल सकते हो, है ना, उसमें भी रो कॉलम लेता है, ठीक है। एक इसमें है रोज़ का फॉर्मूला, रोज़ में आपके सिलेक्शन में कितनी रो हैं ये बताता है, ठीक है। कॉलम्स का भी है, वो आपके सिलेक्शन में कितने कॉलम्स हैं वो बताता है, ठीक है। अब इसका यूज मैं कैसे करता हूँ, जैसे रो, मान लो कोई लिस्ट बनाई मैंने, अब इसमें क्या करना पड़ता है, हर बार मुझे कैसे, कभी किसी में डिलीट करना है, किसी में ऐड वो करना है, इसमें डिलीट करता हूँ तो हर बार रो नंबर चेंज होता है ना, मतलब वो सीरियल नंबर, तो ये रो का फॉर्मूला लगा दोगे तो कुछ भी डिलीट विलीट करोगे सीरियल नंबर मेंटेन रहेगा, है ना, क्योंकि रो तो वही रहेगी। ऐसे ही कॉलम में, और आप कह रहे हो कि मेरा जो है डाटा यहाँ से चालू होता है, ठीक है, क्योंकि हेडिंग वेडिंग के लिए भी जगह हो सकती है, तो इसको कर दो रो माइनस ऊपर वाली, तो क्या हो जाएगा, -5 कर दिया मैंने, एक यहाँ से चालू हो जाएगा फिर, ठीक है ना। अब इसमें भी डिलीट विलीट कर सकते हैं, रो वही रहेगी। कई बार ऑटो नंबर बनाना पड़ता है कि अपने आप नंबर आता चला जाए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसमें इफ की एक और कंडीशन लगा देता हूँ, कि इफ अगर ये इक्वल टू ब्लैंक है तो ब्लैंक, अदरवाइज ये फार्मूला चले। इसको ड्रैग कर देता हूँ, जैसे जैसे एंट्री करता जाऊंगा नंबर आता जाएगा, ठीक है, ऑटो नंबर जो उसमें आपके काम आ सकता है, डैशबोर्ड वगैरह क्रिएशन में इसी तरह के डायनेमिक चीजें करनी होती हैं हमें, ठीक है। कॉलम का भी ऐसे जहां ऐसी जरूरत पड़े, हाँ कॉलम को भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला टेक्स्ट, ये 2013 में है, इसमें ये बताता है कि किसी में कौन सा फॉर्मूला पड़ा है, ठीक है ना, ये इसी में ही आया है हाइपरलिंक का। जैसे हाइपरलिंक का कंट्रोल के करके लगाते हैं ना, अब बड़े सारे लगाने हैं, तो ये हाइपरलिंक का फार्मूला है, फार्मूला में लिंक लोकेशन बोल रहा है, तो http://www. इसको कंकैटिनेट कर देता हूँ मैं किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, web.com, ये कर दिया। फ्रेंडली नेम जो है चीज जो उस पर लिखा हुआ आएगा, मैं कर देता हूँ क्लिक, ये रहा। तो यहाँ जो चेंज करोगे वही वो हो जाएगा, क्लिक करोगे गूगल खोलेगा, ये देखो गूगल का एड्रेस दिखा रहा है ना, ऐसे ही फेसबुक, तो फेसबुक का दिखाएगा, डायनेमिक लिंक चेंज है।
ठीक है ना। ट्रांसपोज का फॉर्मूला है, पहले जैसे हम पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज करते हैं, इसमें ट्रांसपोज का फॉर्मूला चलता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको चूज़ कर लिया, अभी तो एरर दिखा रहा है, मुझे उतना फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ेगी। F2 से मैंने एडिट पे किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये एक एरे फार्मूला है। ठीक है, तो बाकी सब जगह NA आ जाएगा वहाँ। इसमें फ़ायदा क्या है कि अगर वैल्यू आपकी चेंज होती है तो यहाँ पे भी चेंज हो जाता है ना, लिंक्ड होता है, और एरे फार्मूला एक साथ ही डिलीट होता है जिस पे लगा होता है। अगर एरे का आपको रेंज ना पता हो, क्योंकि एक ही फार्मूला होता है जो हर एक सेल पे अप्लाई होता है, रेंज ना पता हो तो हमारे पास जो फाइंड एंड सिलेक्ट में, ये फाइंड और सिलेक्ट करने के लिए होते हैं, गो टू स्पेशल में ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अलग अलग चीज़ें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे करंट एरे है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोई ऐसा बचा है? अब प्योरली हमारे मैच इंडेक्स लुकअप ऑफसेट, लुकअप का फार्मूला बताया था कि मैंने पहले इफ के फार्मूला के टाइम पे है ना। तो वी लुकअप एक बार दोबारा बता दूं कि पता है? एम्प्लॉय बड़े डेटा में तो थोड़ा कंफ्यूज रहता है, काफी बड़ा डेटा होने तो कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं अभी ये रोल नंबर डाल दिया मैंने, यहाँ नाम डाल दिया और यहाँ पे मार्क्स डाल दिए। ठीक है, अब जैसे रिजल्ट चेक करना है, ठीक है, इनका मुझे रिजल्ट चेक करना है। तो इसमें क्या होता है, देखो वी लुकअप के फार्मूला में चार पैरामीटर होते हैं। डॉलर का यूज़ तो मैंने बता ही रखा है कैसे करते हैं, है ना। वी लुकअप में चार पैरामीटर होते हैं जिनको ध्यान में रखना है। लुकअप वैल्यू, किसके बेस पे आपका लुकअप होगा, रोल नंबर के बेस पे लुकअप होगा, ठीक है, रोल नंबर। ठीक है, इसको डॉलर कहाँ लगाएंगे, एच के आगे, क्योंकि जब हम इधर ड्रैग करें तो कॉलम नहीं चेंज होना, और जिसको बढ़ने से रोकना होता है उसके आगे डॉलर लगा देते हैं, ठीक है, कॉलम का। उसके बाद लुकअप किस में करना है, किससे करना है और किस में करना है, टेबल एरे। टेबल एरे में एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि जो आपका पहला सिलेक्शन में जो पहला कॉलम होता है उसी में लुकअप होता है, मतलब लुकअप वैल्यू उसी में ढूंढी जाएगी। ठीक है, इसको पूरा ही फिक्स कर देते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे करूं किधर भी ड्रैग करूं तो ये चेंज ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉलम इंडेक्स, अब यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम हैं तो वैल्यू किस कॉलम की चाहिए, तो वो कॉलम इंडेक्स देना होता है। इंडेक्स मतलब सिलेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है, तो 1 पे रोल नंबर है, यहाँ हमें नेम चाहिए, 2 पे है 2। ठीक है, उसके बाद फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए देते हैं हमेशा, या ज़ीरो दे दो। ठीक है, तो लास्ट वाला ज़ीरो या फॉल्स रहेगा। पहला लुकअप वैल्यू क्या है, किस टेबल में लुकअप करना है और कौन सा कॉलम इंडेक्स है, ये तीन पैरामीटर इसके इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये तीनों क्लियर है, तो इस तरीके से आपका ये रिजल्ट दे देता है। अब जैसे हिंदी के मार्क्स के लिए क्या कॉलम इंडेक्स है, 3,
इंग्लिश के लिए क्या कॉलम इंडेक्स है? 4। तो इसमें डायरेक्ट नहीं कर देंगे 5। और यहाँ 5, ठीक है। अगर हम इसे डायरेक्ट पास कर देंगे किसको? 5.0 कर देंगे ना, पूरा टेबल से पूरा पूरे के लिए हो जाएगा ना सेल एक साथ। नहीं नहीं कौन सा कॉलम उठाएगा वो है। एक कॉलम दे सकते हैं ना, क्योंकि वैल्यू किसी एक सेल से आएगी ना। ये ढूंढेगा एक रो को, रो मिल गई, अब कॉलम भी तो चाहिए उठाने के लिए, तो कॉलम आपको कॉलम इंडेक्स इसीलिए देना पड़ता है। हाँ इसमें ये आप वो वाला जुगाड़ लगा सकते हो, कॉलम वाला। कैसे? यहाँ 2 की जगह अभी जैसे वो है, तो यहाँ से मैं कर दूंगा कॉलम का फॉर्मूला, रिफरेंस इसमें दे दूंगा वो वाला, सिलेक्शन में जैसे है, नहीं तो वही -1 -2 करके जैसे कर देंगे। तो इसमें से कोई भी मैंने कॉलम दे दिया, ये आ गया, अब उसको लॉक नहीं किया तो वो चेंज होता रहेगा, ऐसे ही आएगा, है ना? ये क्लियर है? तो इसमें अब तो इसमें एक लिमिटेशन है कि अभी VLookup को थोड़ा सा और एक्सटेंसिवली बताता हूँ। मान लो कि ये डेटा कहीं दूसरी जगह है, दो जगह पे डेटा है, किसी और शीट पे भी हो सकता है, तो अब दोनों में VLookup लगाना है कैसे लगेगा? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इफ एरर, जहाँ वैल्यू नहीं मिलेगी वहाँ एरर दे देता है VLookup, है ना? तो उसके लिए क्या करूँगा, इफ एरर और VLookup का फार्मूला वैसे ही लगा दूँगा। कॉलम लॉक करना है पहले वाले में, दूसरे में टेबल लॉक करनी है, पहली टेबल दूँगा, ठीक है, कॉलम इंडेक्स और 0 या फॉल्स, ठीक है। और वैल्यू इफ एरर, जब इसमें एरर आए तो क्या करना है, तो VLookup का दूसरा फार्मूला लग जाएगा। ये टेबल एरे देन कॉलम इंडेक्स 2 0, ठीक है, ये लग गया। अब इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, सारी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, दोनों में से जहाँ भी जो भी होगी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलम इंडेक्स इन दोनों में ही चेंज करोगे फिर, ठीक है, ये क्लियर है? HLookup क्या होता है, जब ये डेटा आपका अगर ट्रांसपोज कर दोगे, ठीक है, पहले ये डाटा रो में था, लुकअप रो में हो रहा था, अब ये कॉलम में होगा, मतलब हेडिंग जब आपकी रो में हो जाए तब HLookup यूज हो जाता है। HLookup उस पैरामीटर सेम रहते हैं, ये इसमें पूरा वो सिलेक्ट कर लिया, और इसमें कॉलम इंडेक्स की जगह रो इंडेक्स मांगता है, तो नेम जो है दूसरी रो पे है सिलेक्शन की, ठीक है। रेंज लुकअप हमेशा 0 या फॉल्स आता, ठीक है, तो ये वही वैल्यू निकल आई। HLookup क्लियर है? मैच इंडेक्स चलते हैं। अब VLookup या HLookup के क्या साथ क्या लिमिटेशन है कि पहला कॉलम यही होना चाहिए। तो मान लो आपका नेम उस साइड हो, ठीक है, या रोल नंबर इस साइड हो, अब ये VLookup से नहीं फाइंड कर सकते आप, क्योंकि इधर के लिए तो कुछ है ही नहीं पहला, तो यहाँ चलता है मैच इंडेक्स, ठीक है। मैच इंडेक्स के लिए क्या करते हैं, इस दोनों फार्मूले को अलग अलग समझना, मैच को इंडेक्स को, तब दोनों को कंबाइंड करेंगे। पहली चीज़ मैच क्या करता है, जो लुकअप VLookup में लुकअप वाला काम होता है वो मैच करता है, लुकअप वैल्यू
लुकअप एरे, पर इस एरे में सिर्फ उतना डेटा आएगा जिसमें लुकअप करना है, वही कॉलम ही आएगा एक कॉलम, ठीक है। F4 कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, और जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए इस पर भी है। तो ये वी लुकअप के जैसा है, बस फ़र्क ये है कि इसमें एक ही कॉलम सिलेक्ट होता है, क्लियर है, पर ये वैल्यू नहीं देता आपको, ठीक है, ये समझ आ गया। ये क्या देगा, पोजीशन देगा कि ये इसमें कौन सी पोजीशन पे है। तो ये जो रेंज सिलेक्ट की थी, इसमें हम ऊपर से गिनेंगे, 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पे है ये, ठीक है। इसी तरह मैच देखोगे तो ये हर एक की पोजीशन निकाल देगा कि कौन कौन सी वैल्यू पे है। अब पोजीशन में से मतलब उस एरे में से पोजीशन वाइज वैल्यू निकालने के लिए आप यूज़ करते हो इंडेक्स का, इंडेक्स का। तो अगर मैं यही एरे दे दूँ इसमें, और इसमें पोजीशन जो है मैं इससे ले लूँ, पहले इसको फिक्स कर लूँ, यही एरे दिया, फॉर पोजीशन दे दी मैंने, पोजीशन ही है मैंने यहाँ से उठा ली मैच के फार्मूला से, तो इसने क्या दे दिया, वही रिजल्ट मुझे लाके दे दिया, उस रेंज में से पोजीशन निकाल के दे दी। अब मुझे इसमें ट्रिक क्या है, करना क्या है, ये जो रेंज है इसको मैं चेंज कर दूँगा, पैरेलल में कर दूँगा। तो जैसे हिंदी के लिए ये हिंदी पे रख दिया इसको, ठीक है, यहाँ चेंज कर दिया। अब ये पोजीशन से वैल्यू निकाल रहा है, किसी भी से भी उसकी उसी पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हुआ, उस पोजीशन के मार्क्स आ गए, ठीक है ना, समझ गए कैसा है। तो ये एरे में से पोजीशन की वैल्यू गेट करता है, और मैच किसी लुकअप वैल्यू के बेस पे पोजीशन गेट करता है, ठीक है। तो इस मैच को उठा के कॉपी कर दो यहाँ से, जहाँ से ये वैल्यू ले रहा है, ठीक है, ये फार्मूला है पूरा, इसको ड्रैग करूँगा, ठीक है। नेम के लिए क्या करना है, मैंने बस इसका ये पोजीशन को यहाँ चेंज कर देना है, ठीक है, रोल नंबर वाली फिक्स रहेगी, नेम आ गया, इसमें बस ये इंडेक्स वाली पहली रेंज जो है वो चेंज कर देनी है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश पे, और मैथ के लिए मैथ पे, ठीक है, क्लियर है। और एक साथ लगा देते हैं ताकि इसमें दिक्कत ना हो, एक फ्लो समझ आ जाए कैसे चलता है। इंडेक्स रिजल्ट वाला एरे यहाँ से लगा, इंडेक्स रिजल्ट वाला एरे, ठीक है, इसको फिक्स कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कॉलम ड्रैग हो, रो ना ड्रैग हो, तो इस तरह से भी कर सकता हूँ, इसको रो को लॉक कर सकता हूँ खाली, ठीक है। अब मैच से हमें लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, तो बस इसको ऐसे ड्रैग कर दिया, क्लियर है, मैच इंडेक्स क्लियर है, वी लुकअप की तरह ही चलता है, ठीक है। तो इंडेक्स उस पोजीशन में से वो निकाल के देता है आपको, इंडेक्स की जगह ऑफसेट भी यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स का यूज़ और देखा, मैच का यूज़ मैं वी लुकअप के साथ भी कर सकता हूँ, मैच जैसे वैल्यू ऐसे भी फाइंड कर सकता है और इस तरह से भी फाइंड कर सकता है। तो मान लो अगर मैं इसको वी लुकअप के केस में लेके आऊँ, रोल नंबर वापस ले जाता हूँ, जैसे हमने रो का यूज़ किया था उसी तरह से हम कॉलम लुकअप के लिए भी मैच का यूज़ कर सकते, हेडर लुकअप के लिए भी। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैच किया, लुकअप वैल्यू में मैंने डाल दिया हेडिंग, इसकी रो लॉक कर दी, क्योंकि जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा इसके अंदर, तो ये रो नहीं चेंज होनी चाहिए पर कॉलम चेंज होनी चाहिए, ठीक है। लुकअप एरे मैंने ये दे दिया हेडिंग्स, उसमें से ढूंढ लेगा, बेसिकली पोजीशन ही तो चाहिए उनकी,
है ना। तो इनके कॉलम इंडेक्स निकला है सबके, है ना। अभी लुकअप का नॉर्मल फॉर्मूला है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं दो कॉलम इंडेक्स लिख के फार्मूला कंप्लीट कर देता हूँ, फिर ये जो मैच वाला फार्मूला मैंने नीचे बनाया है मैच को कॉलम इंडेक्स की जगह कर देता हूँ। ये रहा, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि मैच का फार्मूला कॉलम इंडेक्स दे देगा तो दिक्कत ही नहीं, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे ये भी चेंज करोगे ना, हेडिंग तो लुकअप करके ही आ रही है, वो चेंज हो जाएगी, है ना। चाहे इसको डेटा वैलिडेशन में डाल दो, डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स से मैंने ये उठा लिया इन तीनों को, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ से चूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसे ऑटोमेट करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इंडेक्स बेसिकली एक और चीज भी करता है, इंडेक्स में एक और पैरामीटर है आपका, इंडेक्स। इंडेक्स में पहला जो एरे लेता है ना, वो ऐसे एक सिंगल एरे की जगह पूरा टेबल भी लिया जा सकता है, ठीक है। और इसमें रो नंबर कॉलम नंबर है, रो नंबर कॉलम नंबर, ठीक है। मैं यहाँ से लूँगा तो रो नंबर एक, कॉलम नंबर एक, कॉलम नंबर तीन, चार, रो नंबर पाँच, कॉलम नंबर दो, ठीक है ना। यही काम आपका ऑफसेट भी करता है, बट ऑफसेट में पूरा रेफरेंस ऐसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा टेबल इसमें खाली रेफरेंस देना होता है, स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन मैं एक ऊपर दे देता हूँ, क्यों देता हूँ वो भी बता देता हूँ। एक ऊपर दे दी मैंने, ठीक है। रो कॉलम यहीं से चूज कर लेता हूँ, हाँ, इसको एक और, इसको मुझे और इसकी पोजीशन को यहाँ रखना पड़ेगा, अब ठीक है ना। अच्छा, छः है ही नहीं, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ये क्या होता है कि ऑफसेट, इंडेक्स की पोजीशन जो चालू होती है वन से चालू होती है, ऑफसेट की पोजीशन चालू होती है ज़ीरो से, ठीक है। तो ये ज़ीरो से गिनेगा, वन इसको गिनेगा, इंडेक्स वन इस टेबल में से इसको गिनेगा, ये आगे ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं ऑफसेट को यहाँ रखूँ तो उसके लिए एक रो चार कॉलम का मतलब है, यहाँ की पोजीशन है अगर, तो फर्स्ट रो तो ज़ीरो वन फर्स्ट रो, ठीक है। चार कॉलम तो ये ज़ीरो ही कॉलम है अभी, वन टू थ्री फोर, ये ठीक है। तो इंडेक्स वन टू थ्री से चालू होता है, ऑफसेट ज़ीरो वन से, ठीक है। ऑफसेट में दो चीज़ें और होती हैं, हाइट विड्थ, हाइट विड्थ। जैसे ये 12 पे आया, इसको मैं कर देता हूँ तीन, दो पे कर देता हूँ, दो 90, फर्स्ट रो
तो यहाँ से आया फर्स्ट रो 0, 1, 2, यहाँ आ गया। अब यहाँ से आपको कितनी वैल्यूज़ चाहिए, जैसे मुझे चाहिए हाइट हो गई, जैसे अभी हाइट विड्थ 1 है तो हाइट बढ़ाऊँगा तो 2, 3, 4, और अब मैंने विड्थ 2 कर दी, हाइट 4 विड्थ 2, तो ये रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। कैसे पता पड़ेगा, इसमें कर देता हूँ हाइट 4 विड्थ 2, ठीक है। अभी ये वैल्यू दिखाएगा, इसका ये आ रहा है कितना, 436 आ रहा है ना, पर जब इसको मैं सम के अंदर डाल दूँगा, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू होते ही ये एक में एरर दिखाने लगेगा, क्योंकि इसके रेंज में तो मल्टीपल हो गई, ठीक है। तो जितनी हाइट वेट दोगी उतना डाटा ले लेगा। डायनेमिक रेंज रिकॉग्निशन के लिए इसका यूज़ करते हैं कि किस में किस रेंज में से कितना डेटा लेना है किसी फॉर्मूला में, है ना। चार्ट बनाते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ऑफसेट का, कंट्रोल्स के साथ इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑफसेट का आगे हम जब चार्ट्स वगैरह पढ़ेंगे ना तो उसमें यूज़ देखेंगे, और भी चार्ट डैशबोर्ड वगैरह। तो इंडेक्स और ऑफसेट क्लियर है, ठीक है। अब ये वी लुकअप का ट्रू और लुकअप फॉर्मूला क्या करते हैं, ये एक ही काम है इनका। जैसे मैंने एक रेंज बनाई थी ना ये वाली, तो इसमें क्या करेगा, अब ये लुकअप करेगा इस रेंज को, देख लेते हैं ये रेंज बीच में से टूटी हुई नहीं है, इसमें जैसे अगर मैं वी लुकअप लगा दूं तो लुकअप वैल्यू में ये सेल्स फाइंड करना चाहता हूं, टेबल एरे में मैंने ये रख लिया, तो पहला कॉलम लुकअप करता है आपको पता है, ठीक है। कॉलम इंडेक्स मैंने ये थर्ड कॉलम इंडेक्स है, ये वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे 1 दे देंगे 0 की जगह, मतलब अप्रोक्सीमेट मैच ट्रू, इसमें रिजल्ट आ जा रहा है। अब ये रिजल्ट आया कैसे, देखो 40,000 जहाँ फाइंड हो रहा है तो वहाँ तो वैल्यू दे दी इसने, 37 पे कैसे दी, 40 से ऊपर 20 और 40 के बीच में ही 37 आ रहा है ना, तो ये 20 वाली वैल्यू उठा के दे देगा, पीछे में चलेगा ऊपर की साइड में। अब ऐसे ही ये जैसे 55 है, ये मैक्सिमम ये है मिनिमम ये है, तो मिनिमम वाले की दे देगा, ठीक है, इसी तरह से। पर ये तभी कारगर है जब बीच में, क्योंकि इसमें मैंने एक का भी गैप नहीं छोड़ा है, तो ये इसी के बेस पे चल रहा है, ये अपने आप मान रहा है कि 20 से 40,000 तक यही रिजल्ट आना है, 40,000 से पहले पहले तक, मतलब यहाँ तक। 1,00,000 में क्या हो रहा है, 1,00,000 के ऊपर अगर वैल्यू बढ़ती है तो सबसे पीछे में 1,00,000 ही मिलता है इसे, तो यही रिजल्ट हमेशा देगा, ठीक है। लुकअप फार्मूला भी सेम करता है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, इसमें क्या है कि भाई एरे की तरह सिंगल वो लेता है, सिंगल कॉलम जैसे मैच में लेता है ना, और रिजल्ट वेक्टर इसको रिजल्ट का अलग से दे दो, ठीक है। ये भी सेम करेगा, ठीक है ना, क्लियर है। वी लुकअप में ट्रू का यूज, ये भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो लुकअप एंड रेफरेंस में
काफ़ी फार्मूला हो गए। एक अब तुम्हें फाइनल एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। काउंट इफ सम इफ तो पता ही है, हैं, क्लियर है। तो अब मैं फिल्टर जैसा वो बनाता हूँ एनवायरनमेंट। अभी जितने फार्मूला करे उनके बेस पे ये मैंने डेटा वैलिडेशन में नाम दे दिए, ठीक है। यहाँ क्या किया है मैंने, मैंने काउंट करके देखा, काउंट ए करके, कि इस रेंज में कितनी वैल्यू ये इसकी है, ठीक है। क्या किया मैंने, राहुल F5, इतना बड़ा डेटा है ये नहीं यार, 147, अच्छा काउंट इफ, यार काउंट इफ, काउंट इफ गलत कर दिया मैंने, इफ कंडीशन के बेस पे, ठीक है ना। रेंज क्राइटेरिया तो अब बता रहा है 10 इसकी है, विक्रांत की 10 है, इसकी 11, ठीक है। अब मुझे पहली चीज तो वी लुकअप चलाना है, फिल्टर कराना है। वी लुकअप क्या करता है, एक का ही रिजल्ट देगा, अगर मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो वो पहली वाली का रिजल्ट दे देगा। मुझे हर एक का लाना है तो उसके लिए मुझे वैल्यू को यूनिक बनाना पड़ेगा। यूनिक कैसे बन जाएगी, मैं एक हेल्पर कॉलम डाल देता हूँ इसके बगल में, हाँ काउंट इफ, काउंट कर लेता हूँ कि कितनी बार आया है। तो रेंज में दे दूंगा, इसमें एक ट्रिक खेलूँगा, जैसे B2 रेंज दे दी जिसमें पहले वाले को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। हाँ क्राइटेरिया भी मैंने B2 दे दिया, तो ये क्या करेगा, अब ये देखो जैसे यहाँ पे सब पे अभी ये एक एक उस रेंज में, क्योंकि ये रेंज ही बाद में बढ़ रही है ना, पहली वाली फिक्स है, दूसरी वाली छोड़ रखी है मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो विक्रांत यहाँ नीचे से ऊपर तक में एक बार है, ये जैसे प्रदीप है, अब नीचे से ऊपर तक में दो बार है, यहाँ पे भी है नीचे भी है, तो दो। इस चक्कर में इनका क्या आ जाएगा, सीरियल हो जाएगा क्रिएट, हाँ सीरियल बन गया हर एक बंदे का। और इसको साथ में मैं कंकैटिनेट कर देता हूँ B2 से ही, ठीक है। तो एक संदीप, दो संदीप, हर एक के आगे अब वैल्यू यूनिक हो गई है ना। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पूरा लिस्ट जनरेट करानी है, सीरियल नंबर भी। तो सीरियल नंबर जैसे 11 है तो 11 वैल्यू आएंगी है ना, तो मैं इसको लिमिट करूँगा कि इफ अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 से बड़ा है तो यहाँ पे 1 आ जाए, हैं, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए, ठीक है। तो यहाँ अगर कुछ नहीं होता है तो ब्लैंक, और यहाँ अगर कुछ है 1। नीचे मैं दूसरा फॉर्मूला लगा दूंगा, इफ अगर ये जो है इक्वल टू ब्लैंक है तो यहाँ पे भी ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज इसमें 1 प्लस कर ले, ठीक है। पर ये कब तक करना है, ये तब तक करना है जब तक इस वैल्यू के बराबर ना हो जाए, है ना। यानी अगर इस वैल्यू से बड़ा हो जाए तो वहाँ पे ब्लैंक आ जाए फिर से, तो यहाँ पे एक इफ की कंडीशन आ जाएगी, है ना, कि अगर ये वैल्यू जो है
ग्रेटर देन, नहीं अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, प्लस वन करके अगर वैल्यू बड़ी हो जाती है तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज यही फार्मूला चलने दे, ई एट प्लस वन, ठीक है। तो इसको ड्रैग कर दूंगा, ठीक है, तो सीरियल नंबर जनरेट हो गए, ठीक है ना, अगर ज़्यादा होंगे तो आ जाए, ठीक है। यहाँ लगा देंगे VLookup। अब VLookup में क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू हेल्पर है 1234 चाहिएगा, 1234 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको कंकेटिनेट कर लेंगे, इसको भी फिक्स कर दूंगा, किसको, कॉलम को कंकेटिनेट कर लूँगा ऊपर वाली वैल्यू से, ये टोटल फिक्स हो जाएगी। और इस टेबल में सिलेक्ट हो जाएगी कॉलम इंडेक्स, नेम पे मेरा 2 है 0, ठीक है, ये फार्मूला आ गया, और वहाँ 3 करके, पर ये जो है ये नहीं आना चाहिए, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इफ़ एरर, यहाँ ब्लैंक कर दूँगा कि अगर इसमें एरर आती है तो ब्लैंक हो जाए, ठीक है। सेल्स के लिए मैं क्या कर दूँगा, कॉलम इंडेक्स 3, इसको भी ड्रैग कर दी, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, ठीक है ना, बन गया फिल्टर, है ना। तो ये क्या आ रहा है, पहले से वैल्यू आ रही है ना, यहाँ से फर्स्ट मतलब टॉप से वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब तुम्हें लास्ट से चाहिए कि इसके लास्ट वाली ऊपर हो जाए, तो यहाँ फार्मूला उलट करना पड़ेगा, यहाँ पे फार्मूला में क्या करना पड़ेगा, B147, ठीक है, पहला वाला ही लॉक होगा, इसको ले जाता हूँ, ठीक है, मतलब चेंज हो गया है, ठीक है, तो उसमें ये वैल्यू चेंज हो गई तुम्हारी, रिवर्स से पड़ गई, ठीक है ना। तो उसमें भी सॉर्टिंग का जुगाड़ लगा सकते हो, ए चूज के अंदर फार्मूला दे के इधर, है ना, कहीं असेंडिंग डिसेंडिंग में ये सॉर्ट भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये डाटा को पीछे रहने दो, ये डाटा सॉर्ट हो जाएगा तो ये अपने आप हो जाएगा, है ना। तो इन अंदर की कारीगरी ये होती है, इसके अंदर फिल्टर सॉर्टिंग के पीछे, है ना। डैशबोर्ड बनाने में हमें इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हमें हर चीज़ अपने आप करवानी होती है, ठीक है ना। तो आज की सभा